गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 18th and 19th August 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। PM Narendra Modi has announced the launch of National Digital Health Mission recently, named the National Nodal Agency which will implement NDHM. तो PM Modi ने जो है हाल ही में जो है National Digital Health Mission जो है उसका अनाउंसमेंट किया है। तो कौन सा एजेंसी है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा, यह है आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इस मिशन को जो है इम्प्लीमेंट करेगा। PM Modi set the target of 1000 days to provide submarine optical fiber connectivity to connect which UT with mainland India. Department of Telecommunication will implement the project. तो PM Modi ने एक target रखा है कि 1000 days में जो है वो optical fiber connectivity जो है इस UT को जो कि यूनियन टेरिटोरी है उसको जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जाएगा, ताकि वो इंडिया के जो बाकी सारे जो भी मेन लैंड है उससे जुड़ सके। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा यूटी है, ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा उसी के साथ जोड़ा जाएगा। हाउ मेनी इंडियन विलेजेस विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर इन नेक्स्ट 1000 डेज। तो कितना जो है विलेजेस ग्राम जो है उसको जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा अगले 1000 दिन में, ये है आपके 6 लाख गांव जो है और पंचायत और ये सब जो है इसको जोड़ा जाएगा। Who heads the committee formed by central government to reconsider the minimum age for marriage for women? तो women का जो marriage का जो वो age होता है, ठीक है, उसको reconsider करने के लिए कि कितना सही होना चाहिए, इसके लिए committee गठित की गई। तो इसका head किसको बनाया गया है, यह है आपके जया जेटली। जया जेटली को जो है इसका head बनाया गया है। द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस इन मध्य प्रदेश वॉज नेम्ड आफ्टर होम। तो द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस जो है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, उनको किसके नाम पे रखा गया है, यह है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है इस एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है। द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड टॉलेस्ट पायर ब्रिज अक्रॉस इजाई रिवर इन व्हिच स्टेट, यूटी। तो इंडियन रेलवे जो है वो इंडिया वर्ल्ड का जो है सबसे लंबा टॉलेस्ट जो है पायर ब्रिज बना रहा है अक्रॉस इजाई रिवर के आर पर, इधर से उधर तक जो है ये बनाया जा रहा है। ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे है, ये है आपके मणिपुर में जो है इस तरह का जो ब्रिज ये बनाया जा रहा है। Which ministry has launched नशा मुक्ति भारत कैंपेन। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि नशा मुक्ति भारत कैंपेन जो है शुरू किया है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, उनके द्वारा जो है ये नशा मुक्ति भारत कैंपेन शुरू किया गया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 30 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट यूटी रिसेंटली। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने 13 जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट यूटी में लॉन्च किया है, ये है आपके मणिपुर में जो है 30 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। नेम द मेघालय सीएम हु हैज़ लॉन्च ए रिस्टार्ट मेघालय मिशन वर्थ रिस 14,515 करोड़ टू रिवाइव द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो मेघालय के जो सीएम है उन्होंने क्या किया है, रीस्टार्ट मेघालय मिशन जो है शुरू किया है 14,515 करोड़ से, और ये जो है फिर से जो है स्टेट में मतलब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। तो मेघालय का सीएम का नाम क्या है, ये है आपके कॉनरेड कोंगल संगमा। ठीक है, जिसको कि हम लोग के संगमा के नाम से जानते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च फिट इंडिया फ्रीडम रन ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2020। तो जो है कौन सी मिनिस्ट्री है, उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है 2020 लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, यह आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है।
The Ministry of Ayush has launched a 3-month campaign on Ayush for immunity recently. Who is the present Ayush Minister? तो आयुष मिनिस्टर के द्वारा जो है 3 month का एक कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया आयुष फॉर इम्यूनिटी. तो आयुष मिनिस्टर हमारे कौन है? यह आपके श्रीपद यशो नायक. दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना आपका, मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों कौन आयुष मिनिस्टर है, ये पूछ भी सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये वाला है जो कि ये पूछ सकता है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी एक कैंपेन है उसको कौन से मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया, ये पूछ सकता है. तो देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को भी याद रखें कि उसमें किस तरीके का क्वेश्चन किया जा रहा है. कभी कभी ऐसे घुमा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में क्या करता है हम लोग एक तरीके के क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में वही रख के चले जाते हैं, और जब दूसरी थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या दे दिया और हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है. तो इसलिए मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ. विच PSU हैज़ डेवलप्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट इन बल्क टू सीमेंट प्लांट सेट अ चीपेस्ट कॉस्ट. तो कौन सा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जिन्होंने कि फ्लाई ऐश से जो है, जो एक तरीके का धूल मिट्टी होता है, उससे जो है सीमेंट प्लांट सेट बनाया गया है और बहुत ही कम खर्चे में. यह है आपके NTPC. NTPC के द्वारा जो है फ्लाई ऐश से सीमेंट बनाया गया है. हाउ मच पाउंड ओर्थ इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 वॉज लॉन्च बाई यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट फॉर इंडिया टू टैकल COVID-19 चैलेंज एंड क्लाइमेट चेंज. तो कितने पाउंड जो है वो इंडिया को दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 के द्वारा, ठीक है, जो ताकि COVID-19 और जो क्लाइमेट चेंज है उसके खिलाफ लड़ सके. ये है आपके 3 मिलियन यूरो. 3 मिलियन यूरो जो है दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इंडिया को. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पढ़ाई तुहार पाड़ा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट. तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की पढ़ाई तुहार पाड़ा नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. ये आपके छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है. विच बैंक हैज़ लॉन्च ए डिजिटल अपनाए कैंपेन टू प्रोमोट डिजिटल बैंकिंग. तो कौन सा बैंक है जिन्होंने की डिजिटल अपना एक कैंपेन शुरू किया है ताकि लोग डिजिटल बैंकिंग को अपनाएं. यह आपके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये किया गया है. नेम द कंपनी विच ज्वाइंट हैंड्स विद सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव. तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ ज्वाइन किया है, हाथ मिलाया है ताकि वो फ्लड फोरकास्टिंग उसको सही से कर पाए. ये है आपके गूगल ने हाथ मिलाया है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ. Who heads the 5-member committee formed by Aircraft Accident Investigation Bureau for the investigation of Kozhikode plane crash? तो आपके Aircraft Accident Investigation Bureau के द्वारा 5-member का एक पैनल जो है, एक आपका कमेटी गठित की गई थी कि Kozhikode plane crash जो हुआ था उसके लिए, तो उसका हेड किसको बनाया गया है? यह है आपके SS चहर, ठीक है, उनको जो है ये बनाया गया है. The astronomers at which institute has found a baby galaxy called SPT-041847 through LALMA telescope recently? तो कौन सा एस्ट्रोनॉमर जो है इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने कि एक बेबी गैलेक्सी खोजा है जिसका नाम SPT-041847 through LALMA telescope के द्वारा जो है वो उनको खोजा गया है, तो कौन से इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स थे? ये है आपके मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इनके एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ये एक बेबी गैलेक्सी खोजा गया है. हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 formats टेस्ट ODI 2020. तो ये आपको सब लोगों को पता है, ठीक है. तो ये है आपके हमारे MS धोनी, ठीक है, MS धोनी के द्वारा ही जो ऐसे पहले क्रिकेटर है जिनको जो कि आपके तीनों फॉर्म में जो है सेंचुरी लगाया है. नेम द पर्सन हु क्लेम्स द रिकॉर्ड नंबर ऑफ पोडियम फिनिश इन F1 हिस्ट्री. तो कौन सा पर्सन है जो कि जो Formula 1 चैंपियनशिप होता है, रेसिंग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पोडियम फिनिश किया है पूरे जो है F1 की हिस्ट्री में? यह आपके लिविस हैमिल्टन, ठीक है.
हु ऑथर द बुक नेम्ड द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, तो द ब्यूटी ऑफ बुक, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस नाम का बुक जो है उनको किसने लिखा है, ये लिखा है आपके शैरन स्टोन, ठीक है, शैरन स्टोन इन्हीं ने लिखा है ये बुक। नेम द पर्सन हु रिटेन द बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020, तो एक बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020, इनको किसके द्वारा लिखा गया है, यह है आपके अर्जुन सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा ये लिखा गया है। हु ऑथर द बुक टाइटल थरूरोसोरस, तो थरूरोसोरस नाम का एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, यह है आपके शशि थरूर, इनको तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस है अपने बड़े बड़े वर्ड्स को लेके और भारी भरकम वर्ड्स को लेके, तो इन्होंने जो है ये बुक लिखा है। फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज पार्टनर्ड विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जॉइंटली लॉन्च ई पाठशाला अ वेब प्लेटफॉर्म, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की पार्टनरशिप किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसी के साथ लॉन्च किया एक ई पाठशाला नाम का वेब प्लेटफॉर्म, ये है आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है ये वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया गया है। फाइंड द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच हैज लॉन्च योलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन इंडिपेंडेंस डे 2020, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की योलो चेन नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है इंडिपेंडेंस डे के दिन, ये है आपके नागालैंड, नागालैंड के द्वारा हमारे नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है रियो निप्यू रियो, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। द मंदोदी रेलवे स्टेशन ऑफ व्हिच स्टेट इज रीनेम्ड एज ए बनारस रेलवे स्टेशन, तो मंदोदी रेलवे स्टेशन जो है कौन से स्टेट का जिनको की नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है, यह है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मंदोदी, मंदोदी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेम द ई न्यूज सेटर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच वॉज रिलीज बाई ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो कौन सा आपका अच्छा एक ई न्यूज सेटलर जो है उसको लॉन्च किया गया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है स्वस्थ, स्वस्थ नाम का एक ई न्यूज सेटलर जो है लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। द टू फ्लाईओवर ऑफ विच सिटी ऑफ गुजरात वॉज नेम्ड आफ्टर अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज, तो कौन से सिटी का गुजरात के कौन से सिटी में दो फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम से रखा गया है, ये आपके अहमदाबाद, अहमदाबाद में दो फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। विच एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स फील्ड फ्लाइड टू लेबनन विथ 58 million tons ऑफ इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड रिसेंटली, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो कि लेबनन गया है 58 million metric tons जो है इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर, तो ये इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, इस एयरक्राफ्ट का नाम है IAF C-17, ठीक है, इसके इसके द्वारा जो है ह्यूमैनिटेरियन एड लिया ले गया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू अचीव 110% बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाय व्हिच ईयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि इतने ईयर तक जो है 10% बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा पेट्रोल में, यह है आपके 2022 तक ये किया जाएगा। अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेस ऑफ AAAA बॉन्ड्स द एंड कमर्शियल पेपर्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम 25% टू, तो अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है मैक्सिमम लिमिट उसको इंक्रीज किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो AA और AA बॉन्ड्स जो है और कमर्शियल पेपर्स जो है वो कितना परसेंट तक खरीद सकता है, पहले 25% तक खरीद सकता था, तो अभी उसको 50% किया गया है। Which state government has tied up with NPCI and Canara Bank to launch a digital payment services through UPI in village and gram panchayats? तो कौन सा government है जिन्होंने कि NPCI and Canara Bank के साथ tie up किया है ताकि UPI के द्वारा जो है वो आपके village and gram panchayat में जो है उसको अच्छे से लागू कर सके, ताकि जो है payment जो है वो सारे UPI के द्वारा हो।
ये आपके आंध्र प्रदेश के सीएम जो है उन्होंने ये किया है। फ्लिपकार्ट हैज साइंड एमओयू विद व्हिच आईआईटी टू सपोर्ट द इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च। तो फ्लिपकार्ट ने साइन किया एमओयू कौन से आईआईटी के साथ, ताकि जो है वो इंडस्ट्री फोकस्ड जो है रिसर्च उसको कर सके। ये आपके आईआईटी पटना के साथ फ्लिपकार्ट ने टाई अप किया है। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज एज ए गवर्नर ऑफ गोवा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है उसको एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया ताकि वो गोवा के भी देख सके, और गोवा के भी गवर्नर का जो है चार्ज उनको दिया गया है। लेकिन जो मेघालय के गवर्नर है वो कौन है, किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपके सत्यपाल मलिक को जो है मेघालय के गवर्नर एज ए अपॉइंट किया गया है। राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ क्विक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो राकेश अस्थाना उनको कौन से पुलिस फोर्स के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो है डायरेक्टर बनाया गया है, यह आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। तो DBS बैंक के जो है MD किसको नियुक्त किया गया है, ये है आपके प्रशांत जोशी, ठीक है, देख सकते हैं प्रशांत जोशी को जो है नियुक्त किया गया है। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाकले। तो वाकले जो एक कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, यह है आपके रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। हु रैंक टॉप इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाइएस्ट पेड एक्टर फॉर द ईयर 2020, अक्षय कुमार रैंक 6। तो फोर्ब्स का जो हाईएस्ट पेड एक्टर्स होते हैं उसका लिस्ट आया है जिसमें कि अक्षय कुमार 6 नंबर पे थे, 6 नंबर पे। तो टॉप किसने किया है, टॉप किया है आपके ड्वाइन जॉनसन, ये देख सकते हैं ड्वाइन जॉनसन को, जो कि आपके रॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है। इनका टोटल अर्निंग जो रहा है वो है आपके 87.5 मिलियन जो है इनका रहा है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। और अक्षय कुमार का जो है ये 48.5 मिलियन यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कलर चेंज करके दे दिया, थोड़ा सा अमाउंट देख लीजिएगा, कभी कभार अमाउंट भी पूछ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विथ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड ऑन द 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दिन जो है इनको जो है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड दिया गया है, ये है आपके सौमया स्वामीनाथन को जो है ये अवार्ड दिया गया है इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो से रिवीजन करते रहिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, प्रीलिम्स 12 तारीख को है, अच्छे से दीजिए और बढ़िया से दीजिए। चलिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।